दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड दौरे पर रहे। वहीं इस बीच मनीष सिसोदिया रुड़की में जीवन दीप आश्रम के श्री सतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए। वहीं इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले, जिसमें पहले 2 मुख्यमंत्री पूरी तरह विफल साबित हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, जिसके लिए आज तक किसी भी सरकार ने कार्य नहीं किया। रुड़की से संवाददाता मोहम्मद तहसीन की रिपोर्ट। जैसा पार्टी तय कर चुकी है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के उनको मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल रखा, जिसमें एक तो बिजली का ही काम है सबसे ज़्यादा, जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं। यहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब है। आज यहाँ की शिक्षा अच्छी ना होने के कारण ही लोगों का पलायन है, बेरोजगारी की वजह भी यही है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है लोगों को। मैंने यही सवाल रखना था, यही सवाल जिसका उत्तराखंड में शुरू हुई है, पुराने और नए सब मिलकर लड़ेंगे उत्तराखंड, सब उत्तराखंड के लिए। क्या उनके लिए आम आदमी पार्टी का दरबार खुला हुआ है? अभी हमारे साथ तो ऐसी किसी की बात नहीं हुई, पर उसके लिए दिनेश जी और उनके लिए अगर वो आना चाहें तो उनके लिए आपकी कोई बात, वो डिपेंड करेगा कौन है। देखिए हमने उनके सवाल है, आज जो सवाल है उत्तराखंड की जनता के सामने मैं रख रहा हूँ और बहुत आदर के साथ रख रहा हूँ अरविंद साहब के प्रति और उत्तराखंड के वोटर्स के प्रति, कि क्या उत्तराखंड के लोग कर्नल साहब को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? ये मैंने सवाल रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर आप लोग भी चर्चा करेंगे। मिल तो बहुत हो रहे हैं, बिजली का लगाया और बेरोजगारी को देखते हुए चुनाव की तैयारी है? मैं अलग अलग यात्राओं में मैं उत्तराखंड में लगा था पिछले 8-10 महीने से आ रहा हूँ और इन सब पे काफी विस्तार से भी चर्चा हुई है। मैंने चुनौती भी दी थी उत्तराखंड के मंत्री जी को, जब उन्होंने दिल्ली के बारे में कुछ सवाल किए थे, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाए मैं लिखाऊंगा, मैं आ जाता हूँ, तो उन्होंने उससे भी भाग गए। वो पलायन, बेरोजगारी, उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का नाम है। बेरोजगारी का कारण भी ये है कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, काम चलाओ शिक्षा मिल भी रही है तो काम चलाओ मिल रही है, जिस दिन अच्छी शिक्षा मिलेगी यहीं के लोग ऐसा रोजगार क्रिएट करेंगे कि दूसरे राज्यों से दिल्ली से भी यहाँ आएंगे लोग। किसी भी इस तरह की चीज़ को सुधार।